Hey guys, what's up everybody? Welcome to my channel. Welcome to my another video. So guys, अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज पता है आज हम क्या बताने वाले हैं। सो गाइस, आज हम बताने वाले हैं कि हमारे क्लान में एक बंदा 7 आइस गोलम लेके एक टाउनर 12 बेस को 3 स्टार कर चुका है, ये CWL में। वो भी मतलब बंदे का कोई डर ही नहीं है यार, 7 आइस गोलम लेके चला गया भाई, 3 स्टार करके भी आ गया। जब अटैक करने गया था बंदा, मुझे तो लगा था भाई ये अटैक गया, ये भाई ये भी CWL शायद हम हार जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, बंदा भाई मतलब कुछ अलग ही लेवल का अटैकर है, पूरा प्लानिंग के साथ गया था। तो चलो गाइस, पहले उस बेस को देखेंगे, उसके बाद गाइस कैसे अटैक करा है वो भी दिखाएंगे। चलो गाइस बेस को देखते हैं। तो मुझे लगता है नंबर 9 का बेस था, अरे एक सेकंड ब्रो, सॉरी, नंबर 9 का ये वाला बेस था शायद। इस बेस को पहले स्काउट करते हैं और देखते हैं बंदा बेस कैसा है। ओके, तो बेस ऐसा है ब्रो, तो देखो यहाँ पे ईगल मैक्स है पूरा और यहाँ पे 5 स्टार टाउन हॉल भी है, ठीक है। किंग क्वीन भाई थोड़ा लो है इसका, तो बाकी सब ठीक है गाइस। तीनों इन्फानो भी है, एक वो भी भाई टाउन हॉल 10 का मैक्स भाई, इसको हम मतलब आधा मैक्स टाउन हॉल 12 समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि भाई इसका ईगल मैक्स है और 2-3 इन्फानो भी मैक्स है, एक इन्फानो गाइस एकदम टोटली मैक्स है और टाउन हॉल भी ले 5 स्टार है, तो इसको समझ ही सकते हैं। तो चलो इसको रिप्ले देखते हैं, बंदा कहाँ से अटैक किया है भाई पता नहीं भाई। तो देखते बंदा भाई अभी सोच रहा है कहाँ से अटैक करूँ, ठीक है। तो देखते कहाँ से अटैक करेगा बंदा, एक सेकंड भाई देख लेते हैं। तो मुझे लगता है इधर से, हाँ भाई इधर से ही करेगा। तो बंदे ने स्टार्ट कर दिया, 7 के 7 आइस गोलम यहाँ पे छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो पीछे से विच स्पैम कर दिया, उसके पीछे से बॉलर स्पैम कर दिया भाई, क्या ही अलग लेवल का अटैकर है। और यहाँ पे गाइस आ गया हमारा शिग मशीन, पर हीरो कहाँ पे मतलब देगा पता नहीं। यहाँ पे गाइस पीछे से वॉलबेकर, मतलब वॉलबेकर भी आ गया, हीरो किंग क्वीन आ गया, पीछे से हमारा बुड्ढा भी आ गया। चलो अभी देखते, यहाँ पे एक रेज आ गया मस्त, वहाँ पे एक फ्रीज दे दिया क्योंकि सिंगल ड्रैगन इन्फर्नो शिग मशीन को टारगेट ले रहा था। तो अभी तक तो ठीक हो रहा है, सीसी के ऊपर पॉइजन भी आ चुका है गाइस, देख रहे हो कैसे हो रहा है। वॉलरैन का एबिलिटी गाइस मतलब यूज कर लिया सही टाइम पे, क्योंकि टारगेट ले रहा था मतलब किंग क्वीन और अंदर के जो भी ट्रूप्स था उन लोगों को। तो देख सकते हो गाइस अभी तक अटैक तो गाइस सही निकल रहा है। तो गाइस मुझे लगता है ये बैट स्किल के साथ बाकी बेस भाई, हाँ भाई हाँ, बैट के साथ बाकी क्लियर कर लेगा। तो यहाँ पे गाइस फ्रीज आ गया है, एक और एक फ्रीज यहाँ पे आ जाएगा शायद, आ चुका है चलो फ्रीज। तो ये देख रहे हो भाई बेस मतलब कितना इजीली थिस्ट हो रहा है, और यहाँ पे टाउन हॉल भी फूट गया। ओ भाई साहब, मतलब देखो मतलब कैसे हो गया भाई पता ही नहीं चला यार, बेस को भाई थीस्टर तो पेल ही दिया बंदे ने। ओ भाई नाइस ब्रो, गाइस देखो भाई कैसे भाई पेला 3-स्टार अटैक। ओ भाई देख सकते हो कैसे पेला यहाँ पे भाई, अभी तक किंग क्वीन सब जिंदा है यार, किंग भी शायद डाउन नहीं हुआ, किंग डाउन हो चुका है लगभग, लेकिन क्वीन अभी तक जिंदा है। और वार्डन भाई कितना सारा टू क्वीन के एबिलिटी गाइस लास्ट में स्वैग भी कर दिया बंदे ने, मतलब क्या अटैक है ये भाई मुझे भी पता नहीं भाई, मतलब कुछ भी करके आ रहे हैं बंदे भाई, कहीं पे भी मार के आ रहे हैं, 3-स्टार भाई अलग ही चल रहा है। और इस बार हम गाइस नंबर 1 पे भी है, देख लो अभी तक नंबर 1 पे थे क्योंकि हमारा एक भी अटैक नहीं हुआ, तो नंबर 2 पे आ गए, इन लोगों ने भाई 8 अटैक कर दिए हैं, तो हम लोग नंबर 1 पे ही थे। तो गाइस देख रहे हो भाई मतलब कुछ भी आर्मी लेके भाई अटैक करके आ रहे हैं सभी बंदे। तो गाइस चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और गाइस बोला था एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये ही भाई अटैक सीखो और देखो और अटैक सीख लो नया नया अटैक। तो चलो गाइस चलते आज के लिए, और ऐसा अटैक चाहिए तो कमेंट में बताओ और भी। तो चलो गाइस चलते आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे भाई को सपोर्ट करते रहो, भाई के साथ रहो, तो अभी आपका साथ है ब्रो। तो चलो गाइस चलते हैं ब्रो, एंड बाय ब्रो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.